सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खुश होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, बात यह है कि हमने आपको साधारण ब्याज कंप्लीट करवा दिया था। तो साधारण ब्याज कंप्लीट करवाने के बाद में आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बने रहिए साथ हमारे, चलते हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। देखिए साथियों, यहाँ पे दे रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है जो मैं आपको बताए देता हूँ। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मूलधन पर साधारण ब्याज निकाला जाता है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, जब एक वर्ष के लिए निकाला जाएगा तो वो साधारण ही ब्याज निकाला जाएगा। ठीक है, और इसे अगले वर्ष के मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ठीक, यानी कि जो साधारण ब्याज जैसे कि निकला एक वर्ष का, ठीक है, जैसे कि 20 रुपये साधारण ब्याज निकल कर आया, अगर वो हम 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वो जो 20 रुपये हैं वो उस मूलधन में जोड़ना पड़ेगा हमको, तब जाके चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो वही यहाँ पर बता रहा, क्योंकि मूलधन की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाती है, अतः चक्रवर्ती ब्याज भी प्रत्येक वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो अभी हम एक सारणी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर सारणी के माध्यम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहो तो, नहीं तो फिर देखिए सारणी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मूलधन दे रखा है 200 रुपये, दर दे रखी है 10% और समय दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, तीन वर्ष दे रखा है। देखिए, अब देखिए, पहले हम साधारण ब्याज की बात करेंगे, फिर करेंगे चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि इसी के दर पर मूलधन यही, समय भी यही, दर भी यही, साधारण भी निकालेंगे और चक्रवर्ती भी बताएंगे। देखिए, हम बात करते हैं एक एक साल की लेकर, यानी कि पहले साल में। देखिए, फर्स्ट ईयर में साधारण ब्याज हमको निकालना है SI, तो क्या करते हैं, देखिए SI को आपको पता ही है, मूल दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो SI आपका निकल कर आएगा, यानी कि 200 गुणा 10 गुणा 1, एक इसलिए लिया, एक साल का निकाल कर बता रहा हूँ, इसलिए समझाने के लिए। 200 से 200 कट गया, एक साल का कितना हो गया 20 रुपये। ठीक है, इधर आ जाइए, सेकंड ईयर के लिए देखते हैं। सेकंड ईयर में फिर बात वही, 200 गुणा 10 गुणा 1 बटे 100, यानी कि 20 रुपये। ठीक, फिर 20 रुपये। इधर थर्ड ईयर के लिए आ जाते हैं, थर्ड ईयर में अगर निकालोगे तीसरी साल में, तब भी 200 गुणा 10 गुणा 1 बटे 100, यानी कि 20 रुपये। ठीक, यानी कि तीनों सालों का कितना हो गया है, जैसे कि 20 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 60 रुपये। ठीक, 60 रुपये इतना आ रहा है, यानी कि तीनों का अगर एक साथ हम निकालेंगे तो SI बराबर मूलधन, यानी कितना है 200 गुणा दर दे रखी है आपको 10% और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तीनों वर्षों का एक साथ निकाल रहा हूँ, तो नीचे 100 से ये 100 कट गया 2, यानी कि 2 ढाई 20 20 दिया 60, 60 रुपये। ये क्या आ गया आपका, साधारण ब्याज। ठीक है, ये तो साधारण की बात रही। अब बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज में, लेकिन ऐसे नहीं निकाला जाता है, नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि CI। ठीक, देखिए पहले वर्ष का यही लेकर मान के चलते हैं, इन्हीं का हमको निकालना है। ठीक, तो हम पहले वर्ष का इसका निकालेंगे। ठीक, पहले वर्ष, ठीक, पहले वर्ष का हम निकालेंगे तो सिंपल हमें निकालना पड़ेगा, जैसे हम साधारण ब्याज निकालते हैं वैसे ही, यानी कि कितना है आपका
200 गुणा 10 पहले वर्ष का है तो एक लगाया, नीचे क्या है आपका 100, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया 20 रुपये। ये क्या आया पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 20 रुपये, ठीक है। ये तो आ गया पहले वर्ष का। अब अगर बात दूसरे वर्ष की जाए, ठीक, तो जैसे कि अब पूछ जाए कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, दूसरे वर्ष, ठीक, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, जो पहले वर्ष का जो ब्याज होता है जितना निकल कर आता है उसको हम मूलधन में जोड़ देते हैं, ठीक है। जो पहले वर्ष का जो ब्याज आता है निकल कर वो मूलधन में जुड़ जाता है, यानी कि पहले 200 रुपये का 20 रुपया ब्याज लग गया एक साल का, ठीक है। लेकिन जब दूसरी साल का जब ब्याज लगेगा तो 200 रुपये का ना होकर 220 रुपये का ब्याज फिर दूसरी साल लगेगा। तो फिर देखिए अब क्या है, 200 रुपये पहले हमारा मूलधन था, अब ब्याज निकल कर आया पहले वर्ष का 20 रुपये, तो 20 रुपये अब इसमें ऐड हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे तो 20 रुपये क्या होता है मूलधन में ऐड हो जाएगा, यानी कि 200 था, 200 में 20 जोड़ोगे तो 220 गुणा 10 गुणा 1 बटे 100, ठीक है, कितना आ गया 22 रुपये, ठीक। यानी कि दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज था वो कितना आया है 22 रुपये, ठीक है। अब देखिए अब तीसरे वर्ष की बात करते हैं, तीसरे, ठीक, देखिए पहले वर्ष का 20 रुपया दूसरे वर्ष में जुड़ गया, यानी कि 220 हो गया, ठीक है, 220 हो गया, 220 का निकल कर कितना आया है 22 रुपये ब्याज, 220 का 22 रुपया ब्याज निकल कर आया है। तो अब क्या करेंगे, जो तीसरी साल का जब हम निकालेंगे तो ये 22 रुपये जो हैं वो 220 में जुड़ जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 242 गुणा 10 गुणा 1 बटे 100, ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 242 बटे 10 यानी कि 24.2 रुपये, ठीक, यानी कि तीसरी बरस में कितना आ जाएगा 24.2 रुपये। अब तीनों को अगर ऐड करोगे तो आप देखिए 20 प्लस 22 और प्लस ये 24.2 यानी कि इजिकल टू कितना हो जाएगा 20 और 20 40 और 20 60 और 6 66.2 रुपये, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आया। तो ये चक्रवर्ती ब्याज होता है, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगा देना, ठीक, जैसे हमने किसी से 200 रुपये उधार लिए, ठीक है, हमने 10% इसी को लेकर चलते हैं, 10% की दर से उसको ब्याज दिया, तो पहले साल में हमारा ब्याज बना जाके 20 रुपये, ठीक, 20 रुपये बन गया, ठीक। जब दूसरे साल का जब हम ब्याज वो लगाएगा तो वो 220 रुपये पर ब्याज लगाएगा कि ना कि 200 रुपये पर, ठीक, क्योंकि पहले वर्ष का हमारा 20 रुपया ब्याज हो गया, अब वो उसमें ऐड कर लिया, जब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेगा ना तो ब्याज जब लगाएगा तो वो 220 रुपये पर ब्याज लगाएगा, ठीक। और ऐसे ही अगर दूसरे वर्ष में जब 220 पे लगाया तो 22 रुपये हो गया, अब क्या करेगा जब तीसरे वर्ष का ब्याज जब लगाएगा तो वो 22 रुपये उसमें जोड़ कर लगाएगा, ठीक है, मूलधन में, मूलधन में नहीं, सॉरी, जो पिछले वर्ष का ब्याज टोटल हुआ था उसमें जोड़कर, ठीक है। तो ब्याज पर भी ब्याज लगा देना चक्रवर्ती ब्याज होता है। अब देखिए इसको अगर एक साथ हम निकालेंगे जैसे कि तीनों का तो कैसे निकालेंगे उसको भी बता देते हैं, तीनों का तो कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। देखिए यानी कि पी इंटू 1 प्लस R/100 और ये आपका टी, ठीक है, ठीक, पी कितना है आपका 200 गुणा 1, आर कितना दे रखा है आपका 1 प्लस R/10/100 और ये आपका दे रखा है 3 बरस, ठीक, यानी कि 200 गुणा 1 0 से 1 0 कट गया तो 10 एकम 10 और 1 11, 11/10, ठीक है, ये आपका 3 आ गया ऊपर, ठीक, 200 गुणा, देखिए 11 का जब हम क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331, नीचे का जब क्यू किया तो 1331 हो गया, 10 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब 1 0 2 0 1 0 और 2 0 हमने काट दिए, बचा कितना हमारे पास 2 गुणा 1331, ठीक,
जब 2 का गुणा 1331 में करेंगे तो 2662 रुपये आपका हो जाएगा। नीचे आपका क्या बचा है 10। अब 10 को इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी कि इतना, ठीक, यानी कि 266.2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका मिश्र धन, ये क्या है आपका यानी कि मिश्र धन, ठीक। अब हमको क्या निकालना, क्या है हमको सीआई पूछा है, ठीक है, साधारण ब्याज, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। जब सीआई निकालेंगे तो सीआई का मतलब होता है, सीआई निकालने के लिए ए माइनस पी, ठीक, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक। तो मिश्र धन हमारा कितना निकल कर आया 266.2, और माइनस मूलधन कितना था 200, तो कितना बच गया हमारा 66.2 रुपये। ये क्या हो गया आपका सीआई, ठीक, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सवाल के थ्रू और लेकर चलते हैं और बताते हैं मिश्र जो चक्रवर्ती ब्याज किस किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, ठीक है, कि 4000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखो इसको कई तरीके से, कई टीचर कई तरीके से निकालते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ तरीके। सबसे पहले तो एक होता है आपका सूत्र वाला, जो सूत्र दिया होता है उससे भी आप निकाल सकते हो। कैसे करके निकालोगे, देखिए पी इंटू, ठीक है, 1+R/100 और जे आपका टी, ये वाला, ठीक, इससे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 200 × 1, आर कितनी दे रखा है 10%, सॉरी 200 नहीं, कितना है 4000, मूलधन कितना है 4000, पी आपका मूलधन गुणा, और ये आपका 10% दे रखा है, नीचे 100, ये कोष्टक में बंद। समय कितना दे रखा है 2 बरस, ठीक है। देखिए 4000 गुणा 10 से 10 कट गया, 10 × 10 और 11 11/10, ठीक, आपका स्क्वायर 4000 गुणा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 10 का कितना हो 10 × 2 = 100, 100 से ये 100 कट गया, बचा कितना, यानी कि 40 × 121, ठीक। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, देखिए 0 × 4 = 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 4, ठीक, यानी कि 0 का 0, 4 × 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 4, ये आपका क्या आ गया है मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक। अब आपको निकालना क्या है सीआई, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। देखिए सीआई बराबर ए माइनस पी, यानी कि मिश्र धन कितना आया आपका 4840 रुपये, माइनस मूलधन कितना था 4000, बराबर कितना आ गया आपको 840 रुपये। ये क्या आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक तो तरीका आपका ये हो गया, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से देख लो, ठीक। अब बताते हैं, देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरे तरीके में क्या करते हैं, देखिए आपका कितना दे रखा है मूलधन 4000 रुपये, तो 4000, ठीक, दर कितनी दे रखी है 10% की दर, यानी कि 110/100, कितनी बार, कितने बरस का दे रखा है 2 बरस का, तो 110/100, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखिए 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, ठीक है, 10 से ये कट गया आपका 0, ठीक। अब क्या आ गया 4 × 11 = 0 में करेंगे तो 0, 11 × 11 = 11, 11 का 1, बचा कितना 1, 11 × 11 और 1 कितना होता है 12, ठीक, इतना हो गया। 4 × 0 में करा तो 0, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4, इतना आ गया। ये क्या आया आपका मिश्र धन, मिश्र धन। अब सीआई बराबर आपको पता है क्या होता है, ए माइनस पी, यानी कि
4840 माइनस के 4000 जो मूलधन है उसको घटाओगे तो 840 रुपये आपका क्या आ गया, ये CI निकल कर आ गया है। इस तरीके से चाहो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक तरीका और बताते हैं, देखिए एक तरीका होता है होल वैल्यू का, तो उसको आप निकाल लो। देखिए ये क्या है 4000 गुणा, आपको पता है 10% का होल वैल्यू कितना होता है, 10% यानी कि जे, ठीक है, एक जीरो से एक कट गया, 1/10 हो गया, 1/10 का होल वैल्यू हो जाएगा, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस करेंगे एक में तो 11/10, ठीक इतना होता है। तो लगा दीजिए 11/10 गुणा, 2 वर्ष के लिए है तो 11/10, ठीक है। देखिए 1, 2, 1, 2 कट गया, कितना आ गया 40 गुणा 11 का कितना होता है 121। अब 40 का गुणा 121 में करोगे तो 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक। ये क्या है आपका मिश्र धन, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो आपका CI निकल आएगा, यानी कि 4840 माइनस 4000 बराबर 840, ठीक। आपको 3 तरीके बता दिए और एक तरीका और होता है उसको भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, जो कि मेरा तरीका है भाई, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप निकाल सकते हो। देखिए देखिए मैं बताऊंगा अभी बात को, देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष, ठीक। तो इसको हम क्या हो गया 2 वर्ष का 2:1, ठीक, 2:1 हो गया है, ठीक है। अब हमको निकालना है, देखिए क्या करते हैं, ये 2:1 हमने यहाँ पर लिख दिया, इधर वो देख लीजिए, देखिए ये क्या है 4000 मूलधन है तो 4000 गुणा, ठीक, परसेंट कितना दे रखा है 10%, 1 जीरो से आपका ये जीरो और 1 जीरो से आपका ये जीरो, कितना निकल कर आ गया आपका 10%, यानी कि 400 रुपये, ठीक। ये 400 आ गया, दो साल की बात कर रहा है तो 2 बार निकालेंगे, पहले में कितना आया 400 रुपये, अब 400 का 10% हमको निकालना है, यानी कि 400 का 10%, ठीक। देख 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 40, ठीक, यानी पहले साल का 400 रुपये, दूसरे साल का 40 रुपये आया। करना क्या है हमको, ये 400 इसमें गुणा कर दो, ये 40 इसमें कर दो। देखिए ये कितना होगा, 4 का गुणा 400 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, प्लस 40 का गुणा 1 में करेंगे तो 40, ठीक, 800 और 40 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 840। ये एकदम करेक्ट आपका CI निकल कर आएगा इस तरीके से, आपको मिस धन में से कोई घटाना वटाना कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बताते हैं कि ये 2 वर्ष का हमने ये कैसे मान लिया, ठीक है। देखिए चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए भाई इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो, ठीक। देखिए 2 वर्ष का आपको याद रखना पड़ेगा, 2 वर्ष का होता है 2:1, ठीक, ठीक है। इससे इस ट्रिक से आप 2 का निकालो, 4 का निकालो, 5 का निकालो, 6 का निकालो, 7 का निकालो, कितने भी वर्ष का आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 वर्ष का आपको याद रखना पड़ेगा 2:1 होता है, ठीक। अब 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, देखिए एक ही इससे ही खाली आप सबका निकाल लोगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। सबसे पहले 2 वर्ष का आपको याद रखना है कितना होता है 2:1, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए 3 वर्ष का है तो सबसे पहला अंक कौन सा होगा 3, 4 का है तो सबसे पहला अंक क्या होगा 4, 5 का है तो सबसे पहला अंक क्या होगा 5, और 6 का है तो सबसे पहला अंक क्या होगा 6, इतना आपको यह ध्यान रखना है, ठीक।
दो का पूछा तो पहला अंक दो, तीन का पहला अंक, चार का चार पहला, पांच का पांच और छह का छह। अब क्या करते हैं, देखिए तीन बढ़त का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन देखिए अनुपात लगाया हमने, ठीक है, इनको जोड़ दो, दो और एक कितना होता है तीन, तो तीन, ठीक। एक चीज और, फिर अनुपात लगाया, फिर क्या पीछे एक हमको लिखना पड़ेगा, ठीक, एक लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, अब जैसे चार बरस का निकालना है हमको, देखिए चार का तो चार है ही, ठीक, चार का पहला अंक तो चार हो गया। अब क्या करना है हमको, अनुपात लगाया, तीन और तीन कितना हो गया छः, ठीक, फिर अनुपात लगाया, फिर तीन और एक कितना हो गया चार, ठीक है, फिर अनुपात लगाया, फिर ये एक पीछे, ठीक है। अब पांच बरस का निकालना है तो पांच का तो पांच है ही हमारे पास में, ठीक, अनुपात लगाओ, चार और छः कितना हो गया दस, ठीक, फिर अनुपात लगाया, छः और चार कितना हो गया दस, फिर अनुपात लगाया, चार और एक कितना हो गया पाँच, फिर अनुपात लगाया एक, ठीक। अब छः वर्ष का निकालना है तो देखिए छः तो है ही हमारा, सबसे पहले अनुपात लगा लिया, तो पाँच और दस कितना हो गया पंद्रह। अब इधर आ जाइए, अनुपात लगाइए, दस और दस कितना होता है बीस, अनुपात लगाइए, फिर दस और पाँच कितना होता है पंद्रह, फिर अनुपात, और पाँच और एक कितना होता है छः, अनुपात, फिर एक, ठीक। इसी तरीके से अगर सात का आठ का आप चाहो तो निकाल सकते हो। एक बार और समझ लीजिए, देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है, इनमें पीछे से सब में एक होगा, कॉमन नंबर एक, ठीक। दूसरी बात ये होगी, जितने बरस का पूछा जाएगा तो पहला अंक वही होगा, यानी दो वर्ष का पहला अंक दो, तीन बरस का पहला अंक तीन, चार बरस का पहला अंक चार, पाँच बरस का अंक पहला पाँच और छः बरस का पहला अंक छः, ठीक। किया क्या है हमने, देखिए पहला अंक ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये इतना दो बरस का, दो बरस का आपको याद है तो आप सब निकाल लोगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए तीन बरस का पहला अंक हमने तीन ले लिया, ठीक है, क्योंकि तीन बरस की बात कर रहा तो तीन हमारा पहला हो गया। अब हमको अनुपात हमने लगाया, ठीक, अनुपात लगाया तो दो और एक ये कितने हो गए तीन, तो तीन लिख दिया। पीछे एक अनुपात हमको लगाना पड़ेगा हर एक हालत में अपनी तरफ से, ठीक। तो ये हमारा तीन बरस का हो गया। अब जैसे कि हमको चार बरस का निकालना है तो चार तो हमने ले लिया पहले ही, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ दो, यानी कि तीन और तीन कितना हो गया छः, ठीक, हो गया। अभी एक और बचा है, फिर अनुपात लगा लिया हमने, फिर तीन को और एक को जोड़ा तो चार हो गया, तो ये चार हो गया। फिर पीछे हमने अनुपात एक अपनी तरफ से लगा लिया, ठीक है। उसके बाद में पाँच बरस में आ जाओ तो पाँच बरस का पाँच तो है ही, ठीक। अब देखिए छः और चार कितना हो गया दस, तो ये दस लिख दिया। फिर अनुपात लगा दिया, फिर छः और चार कितना हो गया दस, तो फिर दस लिख दिया। फिर अनुपात लगा दिया, फिर चार और एक कितना होता है पाँच, तो पाँच लिख दिया, अनुपात एक अपनी तरफ से। इसी तरीके से छः बरस का हमने निकाला तो छः तो हमने पहले ले ही लिया, ठीक है। अब देखिए अनुपात लगाया है तो पाँच और दस कितना हो गया पंद्रह, तो पंद्रह लिख दिया, ठीक। फिर अनुपात लगा लिया, अब दस और दस कितना हो गया बीस, तो बीस लिख दिया। फिर अनुपात लगा दिया, अब ये बचा, देखिए ये हुआ दस और दस बीस, अब क्या बचा है हमारा, अनुपात लगा दिया, अब दस और पाँच जोड़ेंगे तो पंद्रह हो गया। फिर अनुपात लगा दिया, फिर पाँच को एक में जोड़ा तो छः हो गया, फिर अनुपात लगा दिया तो एक हो गया। ऐसे अगर आप और निकालना चाहो सात का, तो सात का भी निकाल दोगे। जैसे सात बरस का, अगर वैसे इतना पूछा नहीं जाता है, मिनिमम दो बरस या तीन बरस के ही सवाल आते हैं, चार का एक आध मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं बताए दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे सात वर्ष का आपको निकालना तो पहला अंक तो आपका सात हो ही गया, ठीक, तो अनुपात लगा दिया, अब इसको जोड़ दो, छः और पंद्रह कितना हो गया भाई, गया छः और पंद्रह कितना हो गया इक्कीस, इक्कीस लिख दिया, ठीक। फिर अनुपात लगा लिया, अब पंद्रह और बीस कितना हो गया जाके आपका पैंतीस हो गया, तो पैंतीस लिख दिया। फिर अनुपात लगा दिया, अब बीस और पंद्रह कितना हो गया, इधर देखिए इधर भी पैंतीस हो गया। फिर अनुपात लगा दिया, और पंद्रह और छः कितना हो गया इक्कीस हो गया, जी हो गया, ठीक। और छः और एक कितना हो गया सात हो गया, ठीक। फिर अनुपात लगाओगे तो एक हो जाएगा, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम सवाल को लेकर चलते हैं, इन्हीं के थ्रू बताते हैं। ये दे रखा है कि 200 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीन वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ठीक है। 200 रुपए पर
कितना दे रखा है दर 10% और बरस कितना दे रखा है 3। ठीक है, तो अभी हम देखिए 3 बरस का पूछा गया है, तो 3 बरस का हमारा क्या होता है कोड, यानी कि 3:1, ठीक इतना होता है। अभी देखिए 200 रुपये है, 200 रुपये का इधर निकाल लो, देखो 200 रुपये का कितना है 10%, 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2×2=20, ठीक 20 रुपये आ गया पहले साल का। फिर दूसरे साल का हम निकालते हैं 20 रुपये का, यानी कि 20 का 10% निकालोगे तो 2 रुपये आ गया, ठीक 2 रुपये। अब 2 रुपये का 3 बार की बात कर रहा ना, 3 बरस की, तो 3 बार निकालेंगे, यानी कि इसका 10% निकाला, 2 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1×0=10, यानी कि कितना 10.2, ठीक इतना। अब हमको करना क्या है, देखिए ये जो है 20 इसके नीचे, ठीक 2 इसके नीचे और ये 10.2 इसके नीचे, ठीक इनका आपस में गुणा कर देना है। देखिए 20 तिया कितना होता है आपका 60, प्लस लगाते जाओ, 2 तिया कितना होता है 6। अब 10.1 का गुणा, अगर 10.2 का गुणा 1 में करेंगे तो 10.2 ही आ जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 60 और 6 66, और 66 में 10.2 जोड़ेंगे तो 66.2 रुपये, ये क्या आ गया आपका CI, ठीक ये हो गया आंसर हमारा। आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आप उस तरीके से निकालना चाहो तब भी आप निकाल सकते हो, देखिए कितना है 200, तो 2 रुपये है तो 200 गुणा कितनी साल के लिए, 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट थे 10% की, यानी कि 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100, ठीक। देखिए 100 से तो ये आपका कट गया 2 जीरो, ठीक, और फिर आपका देखिए 1, 2 यानी 1 और 2 और 1 ये 0, 3, ठीक। नीचे क्या बचा है 10 बचा है, ऊपर क्या बचा है 11 गुणा 11 गुणा 11। देखिए 2 गुणा 11 11 121 और 121 में 11 का गुणा करेंगे 13 31 बटे नीचे आपका 10, ठीक समझ में आ रहा है। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 13×2=26 और 62/10, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 266.2, ठीक है इतना आ गया 266.2 निकल कर आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे CI निकालने के लिए करते क्या हैं, वही करेंगे CI बराबर A-P, यानी कि हमारा मूलधन कितना, ये मिश्र धन कितना आया है 266.2 माइनस के 200, तो कितना आ गया 66.2, ये आपका आ गया आंसर, ठीक ठीक है। अब अगला सवाल लेकर चलते हैं, देखिए देखिए पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आया है तो अब एक और सवाल लेकर चलते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दे रहा है 5,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है कितना दे रखा है 5,000 रुपये का, 4 बरस के लिए पूछा गया है, तो 4 बरस के लिए हमारा क्या होता है, देखिए 4:6 फिर 4:1 इतना होता है, देखिए यहाँ पर है, ठीक। अब हमको निकालना क्या है 5,000 रुपये पर 10% की निकाल देते हैं, देखिए 5,000 का 10% निकालेंगे तो 2 जीरो कितना आ जाएगा 1 जीरो ये, यानी कि 500, ठीक है तो 500 निकल कर आ गया, ये आ गया हमारा पहले साल का। अब बात कितनी है 4 साल की, तो 4 बार निकालना पड़ेगा। अब 500 का निकाल दीजिए, देखिए 500 का निकालोगे तो 10% यानी कि 50, ठीक है ठीक। अब 50 का निकाल दो 10% यानी कि 5, ठीक। अब 5 का निकाल दो 10% 1010 बराबर 10.5, ठीक इतना निकल कर आ गया आपके पास में, ठीक समझ में आ रहा है। हाँ अब इसको निकाल दीजिए, देखिए 4 के नीचे हम क्या रखेंगे 500, ठीक 6 के नीचे हम क्या रखेंगे 50, 4 के नीचे रखेंगे 5, 1 के नीचे रखेंगे 10.5, ठीक इनका आपस में गुणा कर दीजिए, देखिए 5×4 कितना होता है 20 और 2 ये 0, ठीक प्लस
पंजे कितना होता है 30 और एक ये जीरो, ठीक, प्लस 5 चौक 20, ठीक है, प्लस 5 दशमलव 5 का गुणा एक में करेंगे तो दशमलव के 5, ठीक, इतना आ गया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, ठीक है, देखिए 2000 और ये 300 कितना हो गया 2300, 2300 में 20 जोड़ेंगे तो 2320 और दशमलव 5, यानी कि 2320 के दशमलव 5, ये क्या आ गया आपका सीआई, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी एक और सवाल लेकर चलते हैं, उसको भी देख लो। देखिए सवाल दे रखा है आपका कि 10,000 रुपये पर 10%, 10,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, 5 वर्ष वाला अपना लगा देते हैं। देखिए इधर ये है हमारे पास में 5:10:10, फिर 5:1, देखिए ये वाला 5:10:10:5:1, ठीक। अब 5 वर्ष की बात हो रही है तो ये 10,000 का 10% निकाल लो, ठीक। देखिए 1 0 से 1 0, 2 0 से ये 2 0, कितना आ गया 1,000, ठीक। अब 1,000 का 10% निकाल लो, ठीक, 1 1 1 और 1, कितना हो गया 100, ठीक। अब 100 का निकाल लो 10%, 100 से ये कितना बचा 10। अब 10 का निकाल लो 10%, यानी कि 1 2 1, तो अब 1 का निकाल लीजिएगा तो 1 × 10%, यानी कि 1 0 से 1 0, तो कितना आ जाएगा 0.1, ठीक। कितना आ रहा है समझ में, अब करना क्या है हमको, देखिए पहला कितना आया 1,000, तो 1,000 रख दीजिए इनके नीचे, दूसरा कितना आया है 100, तो इसके नीचे 100 रख दीजिए, तीसरे में कितना आ रहा है 10, तो 10 यहाँ रख दीजिए, चौथे में कितना आ रहा है 1, तो 1 रख दीजिए, ठीक है 1, और पाँचवें में कितना आ रहा है 0.1, तो 0.1 रख दीजिए, ठीक। इनका आपस में गुणा कर दीजिए, देखिए 1,000 का गुणा 5 में करेंगे तो 5,000 प्लस 100 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 प्लस 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 प्लस 1 का गुणा 0.1 में करेंगे तो 0.1। अब जोड़ लीजिए, देखिए 5,000 और 1,000 कितना हो गया 6,000, 6,000 हो गया, 6,000 में 100 जोड़ोगे तो 6100 हो जाएगा, 6100 में 5 जोड़ोगे तो 6105 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो 6105 रुपये में अगर 0.1 जोड़ोगे तो 6105.1, यानी कि 6105.1 रुपये, ये क्या आ जाएगा आपका सीआई, चक्रवर्ती ब्याज, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए साथियों, उम्मीद करते हैं आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी रखते हैं, तो अगर समझ में आ गया हो और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और जो भी भाई अथवा बहन पहली बार देख रहा हो तो वो चैनल को वीडियो पहले देख ले, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।